पप्पू यादव गुल्लक से पैसे लाए हैं, गुल्लक से लाए। आपने जमा किया था अपने लिए, या आपने बाट में कुछ लिया? ये है सिद्धि। इसने छोटी सी उम्र में वो काम कर दिखाया है जो कई अमीर और रसूख वाले लोग भी नहीं कर पाते। नन्ही सी सिद्धि ने अपने गुल्लक में इकट्ठा किए 11,000 रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिए हैं। ये 9 साल की बच्ची सिद्धि जबरदस्त हौसले और जज्बे की मिसाल बन गई है। इस बच्ची ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी छोटी सी बचत यानी गुल्लक को फोड़ दिया और जमा पैसे को लेकर पटना पहुंच गए। इस काम के लिए वो समस्तीपुर से चलकर पटना में मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव के घर पहुंची और उनको अपने पैसे सौंप दिए। पप्पू ने सिद्धि की फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और उसका आभार जताते हुए लिखा है, ये बेटी सिद्धि है, इस छोटी बच्ची का दिल बहुत बड़ा है। पटना के जल जमाव पीड़ितों की सेवा के लिए समस्तीपुर से चलकर पटना आई है, अपना गुल्लक फोड़ 11,000 रुपए दिया है। बेटी सिद्धि, तुमने सिद्ध कर दिया कि सिर्फ श्रेय लूटने वाले पटना दिल्ली के हुक्मरान तुम्हारे सामने बौने हैं। पप्पू ने फेसबुक पर भी सिद्धि के इस नेक काम की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी को भी इस लड़की से सबक लेना चाहिए। माता पिता के द्वारा जब बच्चों में सेवा भाव और मानवता का संस्कार भरा जाए तो लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है। वहीं 24 घंटे में पानी निकालने वाले रणछोड़ मोदी को सौम्या से सबक लेना चाहिए, जो सालों से गुल्लक में जोड़े अपने पैसे लेकर टीवी और सोशल मीडिया में पटना के लोगों की परेशानी देखकर मदद के लिए निकल पड़ी। पटना में जल जमाव से परेशान लोगों को देखकर सिद्धि ने अपनी गुल्लक फोड़ दी और कहा कि मैं इन पैसों से लोगों की मदद करूंगी। आपको बता दें कि पप्पू यादव पटना में बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। वो लगातार रात दिन लोगों की मदद में जुटे हैं। शायद यही देखकर सिद्धि ये पैसे लेकर खुद पप्पू यादव के घर पहुंच गए। खाना, खाना, पानी, खाना, खाना। लोगों का मदद करते, पीड़ितों में खाना पानी दवाई और पैसे बांटते पप्पू के वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। साथ ही लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। उसी बीच इस बच्ची ने जो किया है वो भी काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक। आशीर्वाद बनाए रखिएगा।